हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। आज के दिन की बात करें तो रिलायंस पावर में हमको बड़ा अपसाइड देखने के लिए मिला है। 5% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। एंड ऑफ द डे स्टॉक सर्किट में हमको नज़र आया है, यूसी में, अपर सर्किट में। हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ तक के टारगेट 32.80-33 तक के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन इस हाई को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए। और अब देख सकते हो इस हाई के ब्रेकआउट पर हमको स्टॉक क्लोजिंग दे गया है 3250 का जो लेवल है, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई, लगातार बाइंग देखने के लिए मिली है। जम के बाद गिरावट आई थी तो इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया, ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे ऐसा हमने डिस्कस किया था। और फाइनली आज के दिन हमको बड़ा जम, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली। तो नीचे की ओर अब इमीडिएट सपोर्ट 3240 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो 32, और नीचे की ओर जो 2930 का जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। अगर इसको ब्रेकडाउन कर गया तो फिर वैसी कंडीशन में और गिरावट दिखा सकता है। अब बात करते हैं हम टारगेट की। तो यहाँ से इमीडिएट टारगेट है जो इसका हाई है, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन दिखाया था, 3440 का लेवल रहेगा जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन ब्रेकआउट के चांस बनेंगे क्योंकि जब रिजेक्शन लिया है, गिरावट आई है तो बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली, 2930 तक का ही फॉल दिखाया। और इस गिरावट के बाद बाउंस बैक हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। नज़रें बनी रहेंगी 3450 के लेवल पे, जैसा कि इसका रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर और बड़ी तेज़ी स्टॉक दिखा सकता है। अगला टारगेट 3740, और इसको ब्रेकआउट करके 40 से लेके 44 तक का भी जंप रिलायंस पावर दिखा सकता है, यहाँ तक के टारगेट भी स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।